आगे बढ़ते हैं। धान खरीद को लेकर कैथल में पिछले 3 दिनों से किसानों को और आढ़ती और राइस मिलर्स के बीच में विवाद चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते विवाद को लेकर कैथल में चंडीगढ़ मुख्यालय से अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन जिला उपायुक्त ने चीका राइस मिलर्स को जिला मुख्यालय से आए अधिकारियों से मिलने नहीं दिया और वहीं मुख्यालय से कैथल गए अधिकारी भी इस मामले को सुलझा नहीं पाए, जिस वजह से अभी तक इस मामले का कोई भी हल नहीं निकल पाया है। बता दें कि धान की खरीद किसानों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या बनकर खड़ी हो गई है और यहाँ लोकल विधायक किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक लीला राम भी जिला प्रशासन और कैथल राइस मिलर्स की इस मिलीभगत से परेशान हैं। और ये हमें कोई कैथल जाने का कोई शौक नहीं था, ये पिछले 15 साल से हम हर साल चीका के राइस मिलर कैथल से पैडी परचेज करते हैं। हमारे पिछले साल का किराया एक हमारे DFSC महोदय आए हैं, उन्होंने हमारे से उल्टा किराया काटना शुरू कर दिया, जबकि पॉलिसी के अनुसार पैडी का किराया कभी भी राइस मिलर से पूरे हिंदुस्तान में नहीं काटा गया, क्योंकि किसान हित के लिए सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भले ही वो किसान पाकिस्तान के बॉर्डर पे अमृतसर में बैठा है, चाहे वो दिल्ली की जड़ में बैठा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में, सबको एक ही रेट देती है सरकार, उसका किराया खुद वहन करती है। मेरा नाम मुशियार सिंह गिल, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। क्या मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई? मीटिंग हुई थी, जो चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, DC महोदय थे, उनके सभी जितने भी परचेजर जो उनके सेक्रेटरी और सभी बैठे थे, उनसे सारी खुल के बात हुई है। भी ऐसे ऐसे आप चीखे की खरीद क्यों नहीं खोलते, अपने दिक्कत क्या है, जब हमारे 200-250 रुपये का फायदा होता हो क्विंटल के साथ। एक बीच में खड़े होकर फिर सेक्रेटरी बोले था, उन्होंने कहा जी MSP से ऊपर खरीद रहे हैं। मैंने 2-3 साल जब 1700 ने बिकी, जब तेरी MSP कहाँ चली गई थी? जब किसान को अगर 200-250 रुपये का फायदा होता हो तो तुम्हारे क्या पेट में दर्द है? वो कह रहे भी हमने सारी बात सुन ली, अभी हम ऊपर से जो भी हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करके जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लेंगे और चीका के परचेजर पहुँच जाएंगे। बोला तो मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, क्योंकि मंडी से कई आढ़तियों ने मेरे पास फोन किया और मैंने तुरंत प्रभाव से यहाँ के SDM साहब पे फ़ोन किया, हमारी DC संगीता जी से मैंने फ़ोन पर बात की और उनको मैंने आढ़तियों की समस्या और किसानों की समस्या से अवगत करवाने का काम भी किया और उनको ये भी कहा कि इसका जल्द हल निकाला जाए ताकि किसान कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन ना करें। परंतु मेरे को ये भी पता लगे कि किसानों ने 2 घंटे इंतज़ार करके फिर ये कैथल जींद हाईवे है, इस पे फ्लाई ओवर पर जाम लगाने का काम किया। मैंने उसके बाद भी अधिकारियों से बात की और तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD अजय गौड़ से बात की और मैंने कहा कि मेरी CM साहब से बात करवा दो, ये कैथल की बहुत पुरानी समस्या है और ये कैथल की मंडी में हर साल इस प्रकार का खेल खेला जाता है। तो उन्होंने अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है।